So we will start this introduction to economics chapter by introducing the economic way of thinking. When you will be studying this course, TK, you will be excited to know that economics is everywhere all around you, and you will have an idea of how we are all related to economics in one way or the other. You will discover that this world is full of economic problems, which requires powerful tools than just common sense. ठीक है, जो economic problems हमारे सामने, जिनको मैं आपको introduce कराऊंगी, ठीक है ना, आपको फिर पता चलेगा कि ये problems इस तरह से बैठे बैठे किसी paper पे analysis करके solve नहीं होंगे, rather certain steps, policies or actions has to be taken by the concerned authorities to remove these problems. तो therefore, हमारे पास जब भी हम economics का स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी स्टडी इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, या फिर अगर हम ये कहें कि व्हाट इज स्कैर्सिटी, तो एवरी वन ऑफ यू शुड नो. आप लोग इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो, कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि आप लोगों को इन वर्ड्स की मीनिंग्स पता ना हो. व्हाट इज स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी इज एनीथिंग दैट इज नॉट इन अबंडेंस, एनीथिंग दैट is in limited quantity. तो economics की जो सबसे पहली problem है वो है problem of scarcity. Although this world is very big, ठीक है ना, we know that it has 7 continents, different number of oceans, बहुत ज़्यादा countries है इसमें, different resources है, but still it is a finite place, ठीक है, where both individually and collectively people face the problem of scarcity. What is scarcity? Scarcity is the condition in which human wants are forever greater than the available supply of time. ठीक है, यानी कि क्या है हमारे पास scarcity की problem, कब आती है? The wants that the people have, ठीक है, either individually or collectively, they are greater than the supply. जब wants greater होंगी supply से, तो फिर क्या problem होगा? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी होगा. अब मैं इसको थोड़ा सा ईजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कराती हूँ, ठीक है. यू वॉन्ट 5 ड्रेसेस, ठीक है ना, 5 सूट फॉर योर सेल्फ, मगर आपकी इनकम जो है वो आपको 3 सूट्स की इजाज़त दे रही है, ठीक. इट मीन्स दैट देयर इज लोअर इनकम विद यू एट द मोमेंट, एंड देयर फोर यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर डिजायर्ड वॉन्ट्स. दैट इज यू वॉन्ट 5 सूट्स, ठीक है ना, बट यू कैन परचेज ओनली 3 सूट्स. ये प्रॉब्लम हम सब की है, ठीक है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. यू वांट सम एक्सपेंसिव फोन, बट यू कैन नॉट परचेज देम दैट फोन बिकॉज योर सेविंग्स आर नॉट इनफ. सो देयरफॉर यू हैव टू चेंज योर माइंड एंड देयरफॉर परचेज सम अदर फोन व्हिच कम्स इन द रेंज ऑफ योर प्राइसेस. तो स्कार्सिटी हमारे पास क्या है? इट इज द कंडीशन इन व्हिच ह्यूमन वांट्स दे आर ग्रेटर देन द अवेलेबल सप्लाई ऑफ टाइम, गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज. तो यहाँ पे अवेलेबल सप्लाई ऑफ इनकम जो है, ठीक है ना, दैट इज स्मॉलर देन द वॉन्ट्स दैट यू हैव. यहाँ पे कहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड की, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी इट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरी डिजायर. इफ देर इज नॉट इनफ इनकम, ऑफकोर्स देन इट विल देन हमारे पेरेंट्स, या अगर हम खुद अर्निंग मेंबर्स हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरी डिज़ायर. विच डिज़ायर्स विल बी सेटिस्फाइड विच कम्स विद इन द रेंज ऑफ आर इनकम, ऑफ कोर्स बिकॉज वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इनकम. क्लियर? पॉज. अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक दफ़ा स्टॉप कर जाना है. स्टॉप क्यों करना है? बिकॉज वी हैव टू डील विद अनदर कॉन्सेप्ट ओवर हियर. यू वुड लाइक अ बिगर होम, ठीक है, सही, मोर रेस्टोरेंट्स, और या फिर मोर रेस्टोरेंट मील्स, क्लीनर एयर, बेटर हेल्थ केयर, शेल्टर फॉर द होमलेस, मोर लेजर टाइम एंड सो ऑन. इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें, ये जस्ट एग्जांपल्स है, ठीक है ना, विच वी वुड लाइक टू बी अवेलेबल ऑल अराउंड अस. अपना बड़ा घर हो, ज़्यादा से ज़्यादा मील्स हम रेस्टोरेंट्स में खाएं, ठीक है ना, हवा जो हमें मिल रही हो साफ़ सुथरी हो, मगर अगर हमारे घर ऐसे इलाके में है जहाँ पर सफाई सुथराई का कोई खास बंदोबस्त नहीं है, तो वी कैन नॉट हैव इट. बेटर हेल्थ केयर,
if income is not enough, yeah, if hospitals are not good, yeah, if the facilities are not better in my area, ये किसी तरफ ये examples हमारे tribal areas में बहुत जो है exist करते हैं कि there are no better health cares, ठीक है, और shelter for the homeless, ठीक है, हमें नज़र आता है homeless people roads के sides पे होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए shelter provide करना, more leisure time and so on, ज़्यादा से ज़्यादा free time मिले, कम से कम पढ़ाई का time मिले या कम से कम job का time मिले, these are different desires which people demand for, but unfortunately nature does not offer the garden of Eden where every desire is fulfilled. लेकिन नेचर का क्या सिस्टम है कि हमारी हर डिज़ायर कभी भी फुलफिल नहीं होती. जब हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम ये प्रॉब्लम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी होती है, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं इकॉनमी में, और इसीलिए उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, या अगर वो रिमूव नहीं हो सकते, उनको मिनिमाइज करने के लिए किस तरह से स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उनको और बेटर सोसाइटी को कैसे डेवलप करना है. ठीक, तो देयरफॉर ऑल द नेचर विल नेवर ऑफर यू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर ऑल योर डिजायर्स आर फुलफिल्ड. इंस्टेड देयर आर ऑलवेज लिमिट्स ऑन द इकोनॉमीज एबिलिटी टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स. हमेशा हमारे पास क्या होंगे, एवरी वन ऑफ अस नोज के अगर अपने घरों की भी एग्जांपल्स ले लो, ठीक है ना, वी हैव सम लिमिट्स फॉर एवरीथिंग. ठीक है, घर में ये चीज़ इतनी आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी. ठीक है, कीपिंग इन व्यू द इनकम ऑफ फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर या जो भी है आपकी अपनी है, ठीक है, इन चीज़ों को देखते हुए लिमिट्स एंड बाउंड्रीज आर ऑलवेज सेट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दी वॉन्ट्स दैट कैन बी फुलफिल्ड, ठीक है, given the available resources. अब आप लोगों को जब मैं ये पढ़ा रही हूँ तो you might be thinking कि scarcity problems will disappear if we were rich people. ठीक है ना, ये हर बंदा जो है बैठा हुआ है जो मेरे सामने यहाँ पे क्लास में, they must be thinking कि अच्छा चलो ये problem तो इस तरह से solve होगी कि अगर हम rich होते, ठीक है, बट इकोनॉमिक्स भी ये कहता है कि वेल्थ डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. यहाँ पे वेल्थ भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा. अब देखो ना, नो मैटर हाउ एफ्लुएंट एन इंडिविजुअल इज, दैट इज हाउ रिच ही इज, द विश लिस्ट स्टिल कंटिन्यूज टू ग्रो. जो जितना अमीर होता जाएगा उसकी विशेज भी उतनी ज़्यादा उतनी बड़ी होती जाएंगी. ठीक है, we are familiar with the rich and famous who never seem to have enough. अपने आगे पीछे देखो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा rich है, हमें ये भी नज़र आ रहा होता है कि उनकी फिर demands जो है वो भी बहुत बड़ी बड़ी है, जो उनके लिए भी enough नहीं है, या फिर there are certain constraints on their own wants as well. Although they live well, they still desire for finer homes, they still desire for faster planes, and they still desire for many other things that are their desires in the long run as well, because they may also not be able to fulfill them. So therefore, in short, what happens is that the condition of scarcity means that individuals, whether rich or poor, are dissatisfied with their material well-being and would like more. Theek hai, condition of scarcity kya state karti hai ki chahe koi rich ho ya poor ho, the people are dissatisfied, that is they are not satisfied with their material being and would like more. So what is true for individuals it also applies to scarcity, that is state governments are searching for innovative ways to raise taxes. Ab aa gaya problem ka dusra rukh, theek hai na, sahi, abhi tak to hum ye study kar rahe the ki scarcity kya hai. अब एक और हमारे पास गवर्नमेंट का जो रोल आता है वो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर सर्चिंग फॉर इनोवेटिव, यानी कि डिफरेंट वेज टू रेज टैक्सेस फॉर द फंडिंग ऑफ स्कूल्स. ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट्स डिजायर टू स्पेंड ऑन द पुअर. ठीक है, हायर एजुकेशन, हाईवेज एंड डिफेंस एक्सीड्स द टैक्स रेवेन्यू
it receives to pay for these programs. So not even the government escapes the problem of scarcity. यानी कि ये जो अभी स्टेटमेंट मैंने आपको प्रेजेंट की, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि लोग तो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी फेस करते हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी फेस करता है. गवर्नमेंट का रोल क्या है कि हमारी वेलबींग गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है ना, स्पेशली ऑर्फन्स, ओल्ड एज पीपल, पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, पुअर पीपल, या द एजुकेशन ऑफ दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट बाय देमसेल्व्स, एंड इस तरह डिफरेंट गुड हाईवेज, प्रॉपरली डेवलप्ड हाईवेज, मोटरवेज, ठीक है ना, ये सारे किसका रोल है, ये सब गवर्नमेंट का रोल है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इट टू पीपल. लेकिन और गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आता है, बाई इम्पोजिंग टैक्स ऑन द इनकम्स ऑफ पीपल. दैट इनकम कैन बी थ्रू अ जॉब और थ्रू सम बिजनेस और थ्रू सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना. तो अभी स्टेटमेंट क्या है कि गवर्नमेंट के पास जब ये पैसा आता है वो भी अनलिमिटेड अमाउंट्स में नहीं होता, एंड देयरफॉर इट आल्सो फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. यानी कि वो कुछ लोगों की कुछ डिमांड्स तो पूरी कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग हाईवेज इन सर्टेन एरियाज एंड नॉट इन द अदर एरियाज, बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन सर्टेन एरियाज एंड नॉट इन द अदर एरियाज, ठीक है ना, बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन सर्टेन एरियाज एंड नॉट इन द अदर एरियाज. तो ये सब जो रीजंस है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ लोअर फंड्स, ठीक है ना, सही, नॉट इनफ मनी एंड नॉट इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ऑल द पीपल दैट आर रेसाइडिंग इन द स्टेट. सो देयरफॉर स्कार्सिटी इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ कंट्री हैज अ कमांड इकोनॉमी टाइटली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी which relies primarily on free markets. और इसके साथ साथ हम तो पाकिस्तान तो हमें पता है इट इज़ नॉट वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर भी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एग्जिस्ट करता है और वॉन्ट्स जो है दे आर ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ टाइम, रिसोर्स, इनकम एंड एनी अदर फैक्टर जो कि यहाँ पर हमने मे बी मिस आउट किया हो. तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी. हम इसको, हमारी इकोनॉमिक्स को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल मूव टूवर्ड्स दी स्कार्स रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन. आई होप इट इज दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी.